हेलो एवरीवन वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे टॉपिक इज ए इम्पॉर्टेंट ग्रीन एलगी जिसे हम बोलते हैं और स्पेसिफिकली हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ये देखा गया है इन एलोथ्रिक्स में और इस एलगी के जो रिप्रोडक्शन टाइप्स होते गए वो लगभग फोर टाइप्स हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू भी रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड किया गया है इसके लिए तो कहीं जैसे कि हम जानते हैं इट इज़ ए ग्रीन मल्टी सेलुलर फ्लॉमेंट अटैचड एल्गी होता है जैसे कि इसका स्ट्रक्चर आप थैलस देख रहे हैं और ये थैलस होता है कहीं जैसे कि लोअर प्लांट है तो इसे हम गेविटोफाइड बोलते हैं और एक पार्टिकुलर इसकी अपर साइड में एपिकल सेल्स होती है लोअर साइड में बेसल सेल्स होती है जिसे हम होल्ड फास्ट बनाते हैं इस सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल्स इसकी जो होती हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं इसके पार्टिकुलर हम इसके बीच की जो सेल्स होती हैं उन्हें वेजिटेटिव सेल या एंटर सेल्स बोलते हैं और एक पार्टिकुलर सेल की हम बात करें तो इट इज ए सेंस यू कैराटिक है तो यू कैराटिक जैसे होता कि होता है कि साइटोप्लाब न्यूक्लियस पैरिनोट क्लोरोप्लास सेलबाल होती है सेरबाल भी डबल मेमब्रेंड होती है एक बेल डेवलप्ड एलगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले सेक्सुअल रिपोडक्शन इन एलगी के बारे में जो रिपोर्ट आई है वो इसी एलगा में रिपोर्ट किया गया था सबसे प्रीमेटिव जो साक्ष्य साक्ष एविडेंस मिलते हैं वो इसी अलगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मिलते हैं कि अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ओरिजिन हुई है वो आपके एलोथ्रिक्स से हुई है ये इसमें ए सेक्सुअल रिपोडक्शन के मोड का पिक्चर है गया जिसमें आप देख सकते हैं ये होल्ड फास्ट है ये इसकी बॉडी इस तरीके सेल और ये स्पोर्ट्स बनते हैं फिर इनका लिब्रेशन होता है एंड देन द फ्यूज एंड फॉर्म न्यू बॉडीज इसके बाद इस पिक्चर को हम देख सकते हैं कुछ इसमें ऐसे स्पोर्ट्स बनते हैं जो अप्लाइड रिप्रोडक्शन मतलब एक सिंगल सेल जब बात करती है रिप्रोडक्टिव इस्पोर्ट्स का तब जैसे कि एक्नीट जू पोर्स और जू पोर्स भी इसमें आप देख सकते हैं टेट्रा फ्लैजलेट होते हैं और ये आपका हो गया एप्लिनो स्पोर्ट्स इस और इसके बाद आप देख सकते हैं पामिला स्टेज जिसमें आप देखते हैं हिपनो स्पोर्ट्स बनते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फाइलम काट क्लोरोफाइटा का, का मेम्बर है जो क्लोरोफाइटा में इसकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है वह भी कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है इस हम सिंपल साइज में देखते हैं कि किस तरीके से इसकी बॉडी में गैमिट बनते हैं फिर वो निकलते हैं और इस तरीके से फ्यूज होने के बाद एक टेटरा फ्लेजलेट स्पोरोफाइट जिसे हम जायगोट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं देख सकते हैं टेट्रा फ्लेजलेट जायगोट मतलब इस्पोरफाइट केवल इस जायगोट ही यहाँ पे जो होता है एलवार प्लांट मतलब एलगी में या हम कह सकते हैं थैलोफाइटा में जायगोट सोज रिप्रोडक्टिव स्टेक्स इस्पोरोफाइट जो कि यहाँ पर टेट्रा फ्लेजलेट होती है और उसके बाद ये जायगोट जो होता है वो सेटल्स होता है कुछ डिवाइड जूसपोर्स एंड मेक द फ्यूज एंड एंड फॉर्म तो इस तरीके देखते हैं किस तरीके से हैप्लाइड एंड एप्लाइड साइकिल एक दूसरे को ऑल्टिनेट करती हैं एंड कंप्लीट द सेक्सुअल लाइफ साइकिल जैसा कि मोस्ट ऑफ़ दी पार्ट में आपने देखा कि हेप्लाइड फेज का डोमिनंसी ज़्यादा है तो इसमें जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है वो कैसा है हैपलोंटिक है, है केवल है जायगोट को छोड़ के बाकी सभी जितनी व्यवस्थाएँ वो सब हैप्लॉइड्स हैं तो लाइफ साइकिल इज़ हैपलॉन्टिक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर एक से हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आगे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन एलोथेरिक्स के रिप्रोडक्शन से कंसर्न हैं कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं है तो सबसे पहले हमने बात करते हैं कि ए मोटाइल फ्लेजलेट ए सेक्सुअल सेल इज नोन एज देखिए जैसे क्वेश्चन बोला गया जब मोटाइल है तो फ्लेजला तो होंगे तो इसे अगर हटा भी दे तब भी क्वेश्चन बनता है कि ये मोटाइल ए, ए सेक्सुअल सेल इज़ नोन एज मतलब मोटाइल के साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो एलोथेरिक्स में बनती है वो कौन है जूसपोर्स जूसपोर्स है बट ये क्लियर करें कि ये सेक्सुअल है सेक्सुअल है इसके बाद जाइगोसपोर्स टेटरा स्पोर्ट्स जायगोट ठीक है तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं मोटाइल की जो बात आती है ये जायगोट के बाद बनते हैं जायगोट में डिवीजन होता है तो ये बनता है जाएगोसपोर्स टेटरा स्पोर्ट टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है तो करेक्ट आंसर आपका बच्चा है जूसपोर जो कि फ्लेजलेट भी है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं एलोथ्रिक्स प्रोड्यूस एलोथ्रिक में जो में जो प्रोड्यूस होता है मतलब क्या क्या प्रोड्यूस करता है तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें जूसपोर्स बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं माइक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं जो माइक्रो वाले होते हैं उनमें फ्लेजिला की कंडीशन केवल एक ही होती है क्वाटरी फ्लेजलेट होते हैं जबकि जो माइक्रो वे जूसपोर्स होते हैं उसमें बाई फ्लेजलेट भी होते हैं क्वाटरी फ्लेजलेट भी होते हैं ठीक है गास? अब यहाँ पर बात कर रहा है कि एलोथ्रिक्स प्रोड्यूसेस तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी जितने भी चीज़ें हैं वो सभी सही हैं कि देखिए जो आपका माइक्रो स्पोर्ट्स है वो केवल क्वार चार वाले फ्लेजिला वाले बनते होते हैं और जो माइक्रो जो स्पोर्स हैं वो उसमें दो वाले भी हैं और चार वाले भी हैं इस करेक्ट आंसर आपका होता है डी जो भी है ए बी सी डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ फ्लेजिला इन गैमिट्स ऑफ एलोथ्रिक्स जो एलोथ्रिक्स गैमिट्स होते हैं उसमें आपने लाइफ साइकिल अभी देखी थी उसमें जो फ्लेजिला का नंबर होता है वो कितना होता है गाई उसमें फ्लेजला का नंबर होता है दो मतलब बाई फ्लेजलेट होते हैं और बाई का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं तो गाई करेक्ट आंसर आपका होता है डी नन ऑफ दी एबव क्वेश्चन नंबर फोर में बात करते हैं नॉन मोटाइल हाईली थिकेंड ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर गार्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक बात बोली गई है हाईली थिकेंड थिकेंड के अलावा हाईली थिकेंड और ए सेक्सुअल नॉन मोटाइल तो सिंपल सी बात है हिपनो स्पोर्ट्स माइक्रो स्पोर्ट्स ए प्लानो स्पोर्ट्स और आपका माइक्रोस्पोर्ट्स ये तीन टाइप के चार टाइप के स्ट्रक्चर लिखे हैं मगर इसमें नॉन मोटाइल और हाईली थिकेंड ए सेक्चुअल प्रोडक्शन की बॉडी की बात करी गई है जैसा आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्ट्स में फ्लेजिला होते हैं तो ये तो आंसर नहीं हो सकता अब बचा हुआ आपका ए प्लानो स्पोर्ट्स और माइक्रो इसमें भी आपके फ्लेजिला होते हैं तो ये भी आंसर नहीं हो सकता अब आंसर आपके पास है ए एंड सी तो इसमें एक बात सिंपल से आप देखें थिकन के अलावा हाली थिकन क्योंकि ए प्लानो स्पोर्ट्स और आपके हिपनो स्पोर्ट्स ए प्लानो स्पोर्ट्स में कोई ऐसी बात नहीं होती जिसमें थिकन की बात करी जाती है तो करेक्ट आंसर का आपका होता है ए जो हिपनो स्पोर्ट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल के साथ हाली थिकेंड होते हैं करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बात करते हैं कि रिडक्शन जो होता है कहाँ पे होता है रिडक्शन का मतलब क्या जो होता है मेोसिटिविटी और आप जानते हैं कि एल्गी जो होता है एक नान इमरोफाइटा या थैलोफाइटा के मेंबर्स हैं और थैलोफाइटा में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है स्पोरोफाइट जिसे हम बोलते हैं जो आपकी अंटरनेशनल ऑफ जनशन में जो बॉडी होती है जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइट वो केवल आपके जायगोट के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है और जो कि डिप्लाइड स्टेज भी होती है और जो रिडक्शन डिवीजन होता है मेर वो केवल डिप्लाइड स्टेज में होता है तो कहने का मतलब है रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होगा जायगोट में होगा और जायगोट के बाद जो स्पोर्ट्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइड उन्हें बोलते हैं जायगो स्पोर्ट तो करेक्ट आंसर आपका होता है बी जायो स्पोर्ट्स कब बनेंगे जब मेसिस होगी रिडक्शन डिविजन होगा जाइगोट में आज रिजल्ट ऑफ दैट जाइगोस्पोर फॉर्म तो करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करेंगे दी एक आईनीट फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इन द एलोथ्रिक्स लाइफ साइकिल जैसा कि हमने बताया कि गाइज जब एलोथ्रिक्स को हम, हम पानी से निकाल के क्योंकि फ्रेश वाटर हिल गया इसे किसी हम ड्राई सॉइल पर डाल देते हैं तो उसमें एक का फॉर्मेशन होता है और एकाइनिट का मतलब होता है कि बाटर की जब अपसेंस होती है मतलब बाटर की जब स्क्रेसिटी होती है तब ये एकाइनिट का फॉर्मेशन के बाद ये सब डिपोशन करता है कहने का मतलब एकाइनिट का मतलब होता है कि डिपोजिशन ऑफ द फूड मटेरियल्स और उसके बाद अपनी सेल के चारों तरफ काफ़ी थिक बाइंडिंग कर लेता है उसे हम एकाइनिट बोलते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन अनसेट होती है तो ये इसे न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है तो एकाइनिट गाइज क्या है एकाइनिट एक प्रोटोप्लास्ट प्लस थिन सेल वाल थिन सेल नहीं पॉसिबल है प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वाल सेल वाल नहीं क्योंकि सेल वाल के ऊपर और डिपोजिशन होता है तो वो सेल वाल नहीं रहती है तो जो करेक्ट आंसर आपका बनता है कंप्लीट सेल होती है का काइनी और उसके बाद जो बाल होती है वो और ज्यादा थिक हो जाती है तो करेक्ट आंसर आपका होता है सेल प्लस थिक बाल क्योंकि सेल बाल के ऊपर बहुत सारा डिपोजिशन हो गया नॉट बी कॉल इट नाउ सेल बाल तो ये क्या हो गया थिक बाल प्लस कंप्लीटली सेल पूरी सेल होती है वो अंदर फूड मटेरियल को रिजर्व करके उसके चारों तरफ थिकनिंग का फॉर्मेशन करती है टू कोप विद द अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन स्पेशली दी लैक ऑफ बाटर बाटर की जो कमी है उसे उससे बचने के लिए ये अपने चारों तरफ ऐसी कवरिंग करती है फूड मटेरियल को स्टोर करने के बाद तो क्या जो करेक्ट आंसर है आपका कुछ सी क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करते हैं इन एलोथ्रिक्स कॉलोनी फॉर्मेशन अकर्स आपने देखा पूरे स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया मैंने विजिटेटिव ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल सेक्सुअल स्टेज में आप देखते हैं सॉरी ए सेक्सुअल रिपोडक्शन के दौरान आप देखते हैं कि स्टेज बनती है जिसे हम बोलते हैं पामेला स्टेज पामेला स्टेज में ही कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है गई और कहीं पर भी कॉलोनी का फॉर्मेशन इन एलोथ्रिक्स में रिपोर्ट नहीं करा जाता है तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी पामेला स्टेज जो होती है वो कॉलोनी का बात करती है क्वेश्चन नंबर एट में बात करते हैं एलोथ्रिक्स आई स्पॉट डज नॉट अकर एलोथ्रिक्स में जो होता है वो जो आई स्पॉट कहाँ पे नहीं होता है जाइगोस जूसपोर्स में नहीं होता गैमिट्स में नहीं होता माइक्रोस्पोर्स में नहीं होता न ना, ना। पास तीन ऑप्शन है जूसपोर्स गैमिट्स एंड माइक्रोस्पोर्स तो आई स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है गाइज वो इसमें होता ही नहीं है सिंपल सी बात है, है। यहाँ पे हम बात करें इन तीन में कहीं पे भी आई स्पॉट रिपोर्ट नहीं करा जाता है एलोथ्रिक ना जूस पोर्स में ना गैमिट्स में ना माइक्रोस्पोर्स में तो करेक्ट आंसर आपका डी इन एलोथ्रिक्स गैमिट आर रिलीज देखिए सब बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि एलोथ्रीन में जो गेमिट बनते हैं वो कब रिलीज होते हैं मतलब कौन टाइमिंग की बात कर रहा है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट तो आपने देखा कि वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत है इनके लिए क्योंकि सबसे प्रिमेटिव है जैसे कि आप देखा कि ब्रायोफाइट जब आता है तब भी वाटर की इंपॉर्टेंस रहती है ट्रेडोफाइड आता है भी वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि हम ट्रेडोफाइड को क्या इसने कहते हैं बॉटनिकल स्नक कहते हैं स्नैक का मतलब हुआ कि दे रिक्वायर वाटर ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल फोर को कंप्लीट करने के लिए और एल्गी की बात ना करें एल्गी तो प्रिमेटिव है और उनमें पूरी तरीके से वाटर की बात करी जाती है तो मॉर्निंग की बात इसलिए करी जाती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक्स है वो एक आपने देखा होगा कि स्लो फ्लोइंग कूल वाटर में रहता है स्लो फ्लोइंग वाटर जब कब होता है ये आपका मॉर्निंग का टाइम होता है तो इसीलिए इसके जो स्पोर्ट्स जो एमिट्स होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम रिलीज होते हैं करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर टेन में बात करते हैं बिच टाइप ऑफ स्पोर्ट फिक्स टू सबस्टेटम बाय एंटीरियर एट द टाइम ऑफ गर्मी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जब आपको पूरा ये बताया था कि जो जूस स्पोर्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक माइक्रो होते हैं और एक माइक्रो होते हैं दोनों ही के अंदर अपना जो अटैचमेंट होता है सबस्टेटम से वो दो तरीके से होता है कि माइक्रो स्पोर्ट्स किसी और तरीके से करते हैं माइक्रो माईक्र, माइक्रोस्पोर्ट्स किसी और तरीके से करते हैं तो हम यहाँ पे बात अपने ध्यान रखा है कि जो एंटीरियर इंड के थ्रो अटैचमेंट करते हैं सबस्टेटम से वो कौन से होते हैं वो माइक्रो होते हैं या माइक्रो होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो माइक्रो वाले जो होते हैं वो अपने एंटीरियर एंड के थ्रू अटैचमेंट करते हैं अपने अपर एंड के थ्रू जबकि जो माइक्रो स्पोर्ट्स होते हैं वो पोस्टीरियर एंड के थ्रू अटैचमेंट करते हैं तो करेक्ट आंसर का आपका होता है बी क्वेश्चन नंबर इलेवन में बात करते हैं विच सिंगल थिक बाल्ट ए प्लानो स्पोर्ट्स इज प्रोड्यूसड इन सेल ऑफ एलोथरिक्स इट इज कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए इसमें सिंपल सी बात बोला कि जो आपका थिक बाल्ट ए प्लानो स्पोर्ट्स होते हैं वो अपने चारों तरफ ए सिंगल थिक बाल्ट एपलिनो स्पोर्ट इज प्रोड्यूज इन ए सेल ऑफ्रिक्स इट इज कॉल्ड एप्लैनो स्पोर्ट्स कुछ कंडीशन में अपने को मतलब थोड़ा चेंज करते हैं सिंगल थिक सेल बाल एक सिंगल थिक बाल जब होती है एपलनो स्पोर्ट ऐसे जिनके चाहता हम एक सिंगल बट थिक बाल्ड होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइड गाइड उन्हें हम बोलते हैं आपका हिपनो करेक्ट आंसर आपका बी क्वेश्चन नंबर टोल में बात करते हैं विच टाइप ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस इन इलोथ्रिक्स इलोथ्रिक्स में जो गेमीट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं देखिए आप सिंपल सी बात है हमने आपको बताया था दो फ्लेजला वाले होते हैं तो दो फ्लेजला का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैमीट की जो स्पोर्ट्स में आपने देखा था कि उसमें बाई भी थे क्वाड्री भी थे और दो टाइप के पहले तो स्पोर्ट्स में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैमीट की गैमिट में जो आपके वो होते हैं वो फ्लेजिला कितने होते हैं बिज टाइप ऑफ गेमिट प्रोडक्ट टाइप पूछ रहा है बाई फ्लेजलेट जो गमिट्स होते हैं बाई फ्लेजलेट एंथ्रोजॉइड्स होते हैं क्वार्ट्री फ्लेज होते हैं तो देखिए गेमिट्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर रहे हैं बिल्कुल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका है बी कि जो आपके मतलब गेमिट मतलब एंथ्रोजॉइड और एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो बाई फ्लेजिलेट होते हैं पहले से बता चुके दो तो करेक्ट आंसर आपका होता है इस बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बात करते हैं रेड आई स्पॉट ऑफ जूसपोर्स ऑफ इज मेड अप ऑफ देखिए रेड आई स्पॉट का मतलब समझ सकते हैं आई का मतलब होता है कि रेड का मतलब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो पॉइंट होता है वो किसका बनना होगा ये एक टाइप का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं इस रेड लाइट का हेमाटोक्रोम हेमाटोक्रोम समझ सकते हैं रेड और इसी से आपका आंसर निकल सकता है रेड हेमाटोक्रोम रेड होता है तो करेक्ट आंसर आपका थर्टीन का बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ

और जूस फोर में ये भी सही है और जूस फोर में बाईफिल तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस इसमें लिखा है नार्ड फार्मेट बिल्कुल सही बात है कि कौन से नहीं बनते हैं तो माइक्रोस्पोर में बाई फ्लेजलेट माइक्रोस्पोर में बाई फ्लेजलेट का कॉन्सेप्ट है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है गाइस यहाँ पे आप ध्यान रखने की बात है कि आप इसे देखें कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसमें आपके दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं देखिए एक ये भी पॉसिबल है और एक ये भी पॉसिबल है ये क्वाड्रेट वाला और ये वाला और जो माइक्रो है उसमें केवल ये वाला पॉसिबल तो बचा कौन सा गाइज करेक्ट आंसर आपका बचा है यहाँ पे सी वाला सी वाले में आप देखें जो माइक्रोस्पोर्स है वो कभी भी बाईफ्लेजलेट नहीं होते हैं इस यहाँ पर बोला नार्टफॉम नार्ट फॉर्म का मतलब है कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं जूसपोर का जो दूसरी कैटेगरी होती है माइक्रोस्पोर्स वो बाई फ्लेजिल हो हमेशा क्वाडरी फ्लेजलेट होते हैं जबकि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो क्वाड्री भी होते हैं और बाई भी होते हैं तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करते हैं दी जू स्पोर गैमेटिचिया एंड जू स्पोरजिया ऑफ एलोथ्रिक्स आर मतलब जू गमेट एंड जूस फोरजिया ऑफ एलोथ्रिक्स वो तो कैसी होती है एक सिंपल सी बात है इसमें क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे जो ब्रायोफाइट के जो सेक्स आरगन होते हैं बहुत जैकेटेड होते हैं लेकिन मतलब उनको बड़े कवरिंग होती है जबकि इसके बाद वाले जो मतलब प्योरली वाटर में प्रेजेंट होते हैं मतलब जैसा कि आपका एल्गिया फनजाई तो इनमें जो होते हैं वो नॉन जैकेटेड पहले तो ये क्लियर करें नॉन जैकेटेड होती है दूसरी बात ये एलगा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये मल्टी सेलुलर है तो इसके अभी आपने देखा हर एक सिंगल सेल ही अपने आप में कैपेबल होती है अपने टाइप के स्पोर्ट्स बनाने में तो इससे क्लियर होगा कि नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेर करेक्ट कोई भी सोचने की बात नहीं है क्योंकि ब्लैक में जैकेटेड मल्टी सेलोर आर्गन पाए जाते हैं जबकि इसमें जो होते हैं वो यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड सिक्स आर्गन है क्योंकि गिट और स्पोरेंजिया क्या है सिक्स आर्गन है करेक्ट आंसर आपका होता है बी अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाथोजेनेसिस हमने बताया एक मेथड ये भी है पहले एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ए होता है सेक्सुअल होता है और अब हम बात करते हैं एक न्यू मेथड इसमें जो चौथी मेथड है पार्थिनोजेनिस जिसका मतलब होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑप स्प्रेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन मतलब आपका फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन एंड म्योसिस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है वो कभी इन्वॉल्व नहीं होती पार्थिनोजेनिस में इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनिज विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन एंड मोसिस तो गाइज इस तरीके के जो इसमें स्ट्रक्चर बनेंगे रेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बनती है एलोथ्रिक्स में ड्यूरिंग दी पार्थ्रेस उन्हें हम क्या बोलते हैं तो गाइज आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर आपकी कहलाएंगे ए जाइकोस्पोर्स क्योंकि सिंगल बन मतलब आपका जाइकोट और जायकोट में आपके बाद जो एक्टिविटी होती है उससे हम क्या बोलते हैं जो उसके बाद स्पोर्ट बनते है, हैं उन्हें बोलते हैं ए जायको तो करेंट आंसर आपका होता है बी क्वेश्चन नंबर एटीन बात करते हैं दी का अ पोलरिटी इनोथ्रिक्स टू टू हम पहले बता चुके पहले वाले हमारे सेट में भी क्वेश्चन था कि जो इलोथ्रिक्स का होता है एपीकल सेल ऊपर होती है बेसल सेल नीचे होती है तो इस तरीके से इसमें पोलरिटी होती है क्योंकि दोनों ये अलग अलग होती है ये रिपोडक्शन पार्ट करती है रिपोडक्शन पार्ट नहीं करती है दैट क्रिएट पोलरिटी तो बोथ करेक्ट आंसर आपका एटीन का डी अब नाइनटीन क्वेश्चन को हम देखते हैं फॉलोइंग रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ए कम्प्लीट सेल्स देखिए ज्यादा फॉलो रिपोर्डक्टिव स्ट्रक्चर इज इक्वलेंट टू कम्प्लीट सेल कम्प्लीट सेल का मतलब क्या होता है इसकी जो सेल होती है जो नॉर्मली सेल वाल डबल मेम्ब्रेन हो और उसके अंदर बाकी सब आर्गनस हो और रिपोर्टक्शन का काम करना स्टार्ट कर दे जबकि ए प्लान स्पोर्ट्स में हम देखते हैं क्या होता है जूस स्पोर्ट्स में हम देखते हैं फ्लेजला आ जाते हैं तो ये तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि नॉर्मल सेल में फ्लजला नहीं है एक आईनेट में डबल मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा थिक वाला फूड का मटेरियल डिपोजिट नहीं होता है इसके बाद ए प्लान में हम देखते हैं क्या होता है और हिपनोस्पो तो हिपनोस्पोर में थोड़ा तो सा देखते हैं हिपनोजोन में बाल जो होते है थिक हो जाती है जबकि ए प्लानो कुछ भी नहीं होता नथिंग ये सबसे एक सिंपल टाइप की चीज़ सेल अपने आप में जस्ट एक्टिंग एज थी रिपोडक्टिव यूनिट और उसमें कोई भी ना सेल बाल पर थिकनेस स्टार्ट होती है ना किसी भी फूड मटेरियल का अंदर इसकी बॉडी में डिपोजिशन होता वो कहलाते हैं ए प्लानो तो करेक्ट आंसर आपका ए ये भी कह सकते हैं जो एक रिपोडक्टिव रिपोडक्टिव जो सेल होती है लोथिक्स बॉडी की वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट किसकी होती है तो वो ए प्लानो की होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बात करें इन यूलोथ्रिक्स जाइगोट जायगोट जाएगोड़ का मतलब आपने देखा जायगोट बनता कैसे है इसके जो वो होते होते नॉर्मली इस तरीके से होते हैं बाई फ्लेजलेट और बाई फ्लेजलेट दो मिलकर जब बॉडी बनाते हैं उसे जायगोट बनती है तो जायगोट जो बनता है उसमें आपके फ्लेजला का नंबर चार हो जाता है तो वह करेक्ट आंसर आपका ए क्वाडरी फ्लेजलेट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपने देखा जैसे कि जो कह रहा है कि लाइफ साइकिल आप एलोथ्रिक्स एलोथेक्स क्या है जी एक एल्गा है और हमने आपकी पूरी लाइफ साइकिल में देखा है कि मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट है इसका वो केवल हैप्लाइड स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड है ओनली सिंगल वन जिसे हम बोलते हैं जायगोड जो कि डिप्लॉयड होता है और इस पोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ एलगी मतलब थैलोफाइट्स में तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल का मेजोरिटी कैसा होता है हैपलॉन्टिक पार्ट्स होता है तो कैसे यहाँ जो लाइफ साइकिल का टाइप है वो अब कैसा होगा हेपलॉन्टिक होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा टेक्निकल है कि इफ टोटल ट्वेंटी फिफ्टी टू सेल्स प्रेजेंट इन इलोथ्रिक्स फिल्मेंट मतलब एलोथ्रिक्स का जो थैलस है उसमें क्या कर बावन सेल पे फिफ्टी टू सेल्स प्रेजेंट है तो हाउ मेनी ऑफ देम कैन डिवाइड टू तो प्रोड्यूस जायोसपो जूसपोस और प्लान स्पोर्स तो उसमें कितनी सेल जो होती है वो जूसपोर से जाइगोस्पोर बना सकते हैं तो सिंपल सी बात आपने बताया जो वर्ल्ड फास्ट मतलब जो बेसल सेल्स होती है उसे छोड़ के बाकी सब सेल में कैपेबिलिटी होती है कि दे प्रोड्यूस जूसपो सारे प्लानपोर्स तो करेक्ट आंसर फिफ्टी टू तो कंप्लीट एक उसमें से कम कर दें तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया फिफ्टी बन मतलब करेक्ट आंसर आपका बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में बात करते हैं नीलोथ्रिक्स जू पोर्स आर लिबरेटेड बाय आपने पिक्चर देखा होगा अभी लाइफ साइकिल में कि जू पोर्स जब बनते हैं तो वो कैसे करके निकलते हैं उससे बाहर लिबरेट कैसे होते हैं डिजेनेशन ऑफ द लेटरल फार्मेशन ऑफ द पोर इन लेटरल तो कहीं ये सिंपल सा जो आपका जो लेटरल वाल्स होती है उसमें पोर करते हैं उसके बाद ये निकल आते हैं बाहर तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी फार्मेशन ऑफ पोर इन लेटरल वाल्स जिसमें जूस पोर जब बनाते हैं फॉलोइंग इज सो हाइपलॉटिक लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल सा अभी क्वेश्चन जैसा बताया है कि केवल एल्गी में जो है लाइफ साइकिल होती है हैटिक केवल इसमें कौन आ गया जैसे एल्गी मतलब एलोथ्रिक्स बाकी फ्यूनेरिया देखिए आपका क्या है, है, है पाइनस तो हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब एलगी एल का मतलब यहाँ पे केवल एक है एरोथिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज की म्योस इन इरोस टेक्स बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस म्योसिस कहाँ पे होती है देखिए म्योसिस इसके Uh, जायगोट में होती है जायगोट के बाद जो स्पोर बनते हैं उन्हें हमें जायगो स्पोर कहते हैं ठीक है गाइज़ करेक्ट आंसर आपका होता है सी कोई भी डाउट नहीं है कोई भी कुछ नहीं है थैंक यू वेरी मच गाइज